हेलो गाइस, वेलकम टू जीए फैमिली। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका वुमेन के बीच में मैच होगा कल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस शुरू करने से पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आईपीएल का जो भी मैच हो रहा है हम लोग हर एक मैच का आपको वीडियो दे रहे हैं। प्लस लास्ट में टॉस के बाद जो पिच जो टॉस से पहले जो पिच रिपोर्ट है, प्लस आप लोगों को जो पांच प्लेयर है मैं शेयर करता हूँ। जैसे कल आज का जो वीडियो था आरसीबी वर्सेस लखनऊ का जो मैच था, उसमें मैंने आप लोगों को ए टू जेड सब कुछ बताया। और आप लोगों का अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा लखनऊ का, तो आरसीबी मैच का, तो आपने बहुत कुछ मिस किया होगा। ठीक है, तो गाइस ज़्यादा हम लोग अभी बांग्लादेश वुमेन के बारे में हम लोग वीडियो बना रहे थे, इसके बारे में ही हम चर्चा करते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो मैच है ना, ये जो श्रीलंका में मैच होगा, तो श्रीलंका मतलब बांग्लादेश खेलने जा रहा है, तो बांग्लादेश का जो टीम है उतना अच्छा नहीं है, अब वीक टीम है, लेकिन श्रीलंका का थोड़ा सा अच्छा टीम है। बट क्या है ना, स्पिन फ्रेंडली पिच पे मैच होगा, तो कोई भी टीम अच्छा कर सकते हैं। बट बांग्लादेश का बैट्समैन उतना बैटिंग जो है ना बैटिंग लाइनअप उतना खास नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। और लेकिन इस मैच पर मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे टीम नहीं दे पाऊंगा, बट आप जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके जरिए आप अच्छा खासा टीम बना सकते हैं। मैं आप लोगों को एकदम हर एक प्लेयर जो जो प्लेयर खेलेगा उसके हिसाब उसका मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि कब लेना है, क्यों लेना है, तो आपको तब अब आप अच्छा खासा टीम बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आईपीएल के लिए आप जरूर हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आप लोगों को पता है, मतलब जो हमारा रेगुलर फॉलो है उसको पता है कि हम लोग कैसा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो गाइस देखिए, विकेट कीपर सेक्शन में सबसे मस्ट पिक रहेगा निगार सुल्ताना, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, एकदम बांग्लादेश का सबसे बेस्ट बैट्समैन में से एक है, तो आपको मस्ट पिक होगा आपके टीम में। बाकी अगर विकेट कीपर सेक्शन में आपको किसी को ट्राई करना है तो पी उराकुडू, ठीक है, इसका नाम है पी उराकुडू, प्रसादिनी उराकुडू, इसको आपके टीम में आप गैन लीग में जरूर ट्राई करिएगा। विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, प्लस आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा। ये श्रीलंका का सबसे मतलब एक एक्सपीरियंस विकेट कीपर बैट्समैन है, आप इसको जरूर ट्राई करिए गैन लीग में। तो जो अगर आप गैन लीग खेल रहे हैं, हम तो कल इस मैच में मिनी एसएल खेलेंगे, ओनली मिनी एसएल खेलेंगे। ठीक है, तो आप अगर आप स्मॉल लीग में लेना चाहते हो तो इसको आप जरूर टीम पिक कर सकते हैं, आपके लिए पांच पिक होगा, बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं। ठीक है, बाकी बैटिंग सेक्शन में ए समारा विक्रमा, क्या नाम है, देख समारा विक्रमा, आप इसको देखिए ओपन करेगा ये, अगर आपको लेना है तो फिर अगर आपको छोड़ना है तो गैन लीग में छोड़ेगा, बाकी स्मॉल लीग में आपके टीम में मस्ट पिक होगा, क्योंकि बैट्समैन में सबसे अच्छा बैट्समैन यही है। बैट्समैन बैटिंग सेक्शन में जो प्लेयर है सबसे अच्छा यही है। ठीक है, तो गाइस बैटिंग सेक्शन में टोटल चार प्लेयर अच्छा है, उनमें से तीन प्लेयर खेला इससे पहले जो मैच है उसमें। ठीक है, जैसे फरगाना हॉके, एन डी सिल्वा और समारा विक्रमा और एक पेरेरा है। ठीक है, तो यही सबसे अच्छा बैट्समैन है बैटिंग सेक्शन में, जिसको आप रोटेट कर सकते हो ग्रैंड लीग में। बाकी स्मॉल लीग में आप अगर स्मॉल लीग या मिनी एसएल खेलो तो आपके टीम में यही समारा विक्रमा मस्ट पिक होगा, बाकी फरगाना हॉक और एन डी सिल्वा में से आप अगर आपको समारा विक्रमा को आपको छोड़ना है तो एन डी सिल्वा आपके टीम में मस्ट पिक होगा। ठीक है, बाकी फरगाना हॉक थोड़ा सा मतलब बहुत दिन से नहीं खेल रहे, इसलिए उतना अच्छा पिक नहीं होगा। बाकी ये सबसे बांग्लादेश का अगर कोई भी बैट्समैन सेक्शन में अच्छा है तो फरगाना हक सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो आप उसको जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में चमारे गाटापटू, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आपके टीम में मस्ट पिक होगा। प्लस एक आपको थोड़ा सा अगर आपको मैं टिप्स देना चाहिए, देखिए इसका बॉलिंग करने का उतना भी कन्फर्म नहीं होता है जो इसका नेशनल टीम में, लेकिन अभी का जो इसका फॉर्म है बहुत बढ़िया, चाहे बॉलिंग बैटिंग दोनों में बहुत अच्छा कर रहा है। तो आग बंद करके तो स्मॉल लीग गैन लीग में भी तो आपका कैप्टन होगा मोस्ट ऑफ द टीम में। लेकिन आप अगर सोचिए श्रीलंका पहले बॉल करें ना, तो आप जो श्रीलंका का मेन बॉलर जैसे ओ राणा सिंघा प्लस राणा वीराना इन दोनों को आप भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मैंने बोला है आप ध्यान में रखना। लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं, 50% लोग चमारे आटापट्टी को कैप्टन मारेगा, बट आप थोड़ा सा अगर आपको हटके कर रहे कैप्टन वाइस कैप्टन किसी को मारना है तो राणा सिंघा को मार सकते हो और राणा वीरा को मार सकते हो। और एक और बांग्लादेश का अच्छा बॉलर है जो मतलब गुच्छे में विकेट लेता है, वो फाहिमा खातून है। मैं आप लोगों को एक एक करके बता दूंगा किसको कब लेना है। देखिए, तो आटापट्टी आपके मस्ट पिक होगा, और राणा सिंघा भी आपके टीम में मस्ट पिक होगा। प्लस स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन भी होगा, मिनी एसएल में आप ग्रैंड लीग में भी जरूर आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो इसको। ये भी मतलब आटापट्टी जैसा भी पॉइंट देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। बाकी रितु मोनी उतना कुछ खास पिक नहीं होगा, फास्ट बॉलिंग करेगा, आप गैन लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो, बहुत लोग लेके जा रहे हैं बट उतना खास पिक नहीं रहेगा। ठीक है, आप गैन लीग में जरूर टॉप करिएगा। के दिलहरी आपके टीम में मस्ट पिक होना चाहिए, आपको यंग प्लेयर यंग ऑलराउंडर है, आप इसको श्रीलंका भी इसको मतलब चांस बहुत मौका दे रहे हैं और इसको ऊपर भी लेके जा रहे हैं। जैसे ये आटापट्टू जैसे श्रीलंका का प्लेयर है उसके हिसाब से भी इसको जज करा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको जरूर स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करिएगा। 71% लोग लेके जा रहे हैं, बट मे बी इसका परसेंटेज ड्रॉप भी हो सकता है, तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आपकी टीम में मस्ट पिक होगा। स्वर्णा अख्तर अगर लाइनअप में आता है आपको दिखता है तो आप जरूर ट्राई करिएगा। जैसे एक लाइनअप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लास्ट दो मिनट में लाइनअप आएगा आपको, यूट्यूब में लाइव होता है, मैच लाइव दिखता है,
तो उस पर अगर आप फॉलो करेंगे या हम लोग कोशिश करेंगे, अगर मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को लाइनअप शेयर करने की, लेकिन क्योंकि लास्ट 1.5 मिनट या 1 मिनट पहले लाइनअप आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप अगर ऐसे मैच में अगर आप GL खेलने जाएंगे और ज़्यादा टीम बनाएंगे तो भी दिक्कत होगा, कोई एडिट करने का। ऐसे मिनी SL ठीक है, उसमें आराम से टीम एडिट हो जाएगा। ठीक है, स्वर्णा अख्तर अगर लाइनअप में आते तो आपकी टीम में मस्ट पिक होगा, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। अब इवन आप कैप्टन पैसेटिन भी मार सकते हो अगर फास्ट बॉल करेगा बांग्लादेश तो। सुल्ताना खातून आपके टीम में जरूर इसको ट्राई करेगा, स्पिन बॉलर है और बहुत अच्छा स्पिन बॉल कर रहा था। मैंने पिछले मैच में जो भी थोड़ा सा मैच हुआ था उसमें मैंने लाइव देखा था, क्योंकि पिछले मैच जो है ना वो एबंडेंट हो गया था तो उसको लाइव देखा था। इसमें बहुत अच्छा बॉल कर रहा था और आराम से आपको 1-2 विकेट लेके जा सकते हैं। आप जरूर इसको स्मॉल लीग में आपके टीम में पंप होगा और ग्रैंड लीग में तो आप जरूर ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में अगर आपको किसी को ट्राई करना तो जरूर ट्राई करो। रमेश डी सिल्वा ये अच्छा, RD सिल्वा ये भी अच्छा ऑलराउंडर है, आप गैलनिक में जरूर ट्राई कर सकते हो अगर आपको लेना चाहिएगा लाइनअप में आता है तो। ठीक है, बाकी इनो का रानाविया आपके टीम में स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में मस्ट पिक होगा। प्लस जैसे मैंने बोला आपको फास्ट बॉल करेगा श्रीलंका तब आपके टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना। ठीक है, आप एकदम मस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना अगर फास्ट बॉल करेगा। बाकी अगर आपको रिक्स लेना है थोड़ा सा हटके स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन मारना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा रानाविया। एन अख्तर आपके टीम में मस्ट पिक होगा स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। ठीक है, कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं है। बाकी जहनर आलम को आप गैल लीग में जरूर छोड़ सकते हैं, स्मॉल लीग में भी आप छोड़ सकते हैं। अगर सेकंड बॉल का सोचिए बांग्लादेश सेकंड बॉल करें तो आराम से जहनर आलम को आप जरूर छोड़ सकते हैं सेकंड बॉल पे। बाकी फास्ट बॉल पे थोड़ा सा आपके लिए अच्छा पिक हो सकता है। बाकी मैं तो क्या है ना इसका जो फॉर्म है उतना कुछ खास नहीं है। पिछले मैच में फास्ट बॉल पर विकेट लेके गया बट उतना बॉलिंग का जो लाइन लेन था ना उतना खास नहीं था। इसीलिए अगर आपको स्मॉल लीग में भी आप अगर रिक्स लेना चाहते हो तो जरूर छोड़ सकते हो, बाकी उतना खास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ज़बरदस्ती आपको लेना होगा। बाकी आप अगर आपको छोड़ना अगर आप छोड़ना चाहते तो जरूर छोड़ सकते हैं, ग्रैंड लीग में तो छोड़ ही सकते हैं, स्मॉल लीग में भी आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, फाहिमा का तो 29% लोग लेके जाए लेकिन आपके टीम में स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में मस्ट पिक होगा। ठीक है, बाकी सुगंधी का कुमारी पिछले मैच में नहीं खेला था बट इस मैच में खेल सकते हैं क्योंकि पीस जो है ना स्प्रिंट फील्ड पीच है, इसलिए इस मैच में भी खेलने का चांस रहेगा। अगर लाइनअप में आता है तो आपके टीम में मस्ट पिक होगा। वाइस कैप्टन वाइस कैप्टन का मे बी ना हो बट आपके टीम में मस्ट पिक होगा स्मॉल लीग में, प्लस ग्रैंड लीग में भी आप मस्ट पिक अगर लाइनअप में आता है तब आपके टीम में मस्ट पिक होगा। ठीक है, यू प्रभादनी को आप जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, फास्ट बॉल लेफ्टी फास्ट बॉलर है, आप ग्रैंड लीग में अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि इसका जो विकेट मिलने का चांस है वो कम, लेकिन देखिए बांग्लादेश का जो टीम है वो थोड़ा सा कमजोर है। अगर आप लेना चाहते हैं श्रीलंका का, जैसे श्रीलंका फेवर है तो इसीलिए आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करेगा। स्मॉल लीग में भी अगर आप लेना जैसे एक तरफा श्रीलंका को जिता रहे हो आप तब उस टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखिए बॉलर सेक्शन में के काबिंडी पिछले मैच में खेला था बट जैसे मैच अबेंडेड हुआ तो इसीलिए इसका अभी तक हम लोगों ने लाइव वीडियो विजुअल नहीं देख पाए कि ऐसा बॉलर है, बट आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही यंग बॉलर है, मौका दिया मतलब कुछ ना कुछ टैलेंट होगा इसीलिए इसको मौका दिया गया, तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर लाइनअप में आते हैं तो। बाकी आई फर्नांडो मैं जो बोला है आपको ध्यान रखना, आई फर्नांडो के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर लाइनअप में आते हैं तो आपके टीम में स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में मस्ट होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा बॉलर है और इस ग्राउंड पर भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है इसका। ठीक है, तो अब स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में अच्छा अब आप इसको ट्राई कर सकते हो। और गाइस लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना भूल गया, इनो का रानाविडा का जो ग्राउंड रिकॉर्ड है उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब अभी इसने 2-3 मैच जो भी खेला इसमें इसको विकेट नहीं मिला, तो ये एक ध्यान मतलब इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं भूल गया था आप लोगों को बोलने में। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा अगर आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग खेल रहे मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रैंड लीग में कैप्टन स्मॉल लीग में कैप्टन फैसिलिटन तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बाकी ग्रैंड लीग में तो जरूर आप कैप्टन फैसिलिटन मार सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला आई फर्नांडो के बारे में, तो ग्रैंड लीग में अगर लाइनअप में आए तो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में मस्ट पिक करेगा, आपको 100% आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देखे जाएगा। ठीक है, और बाकी देखिए उतना कुछ कोई खास पिक नहीं है, अगर लाइनअप में आते हैं जैसे उनमें से सबसे बेस्ट होगा डी विश्वास, बहुत अच्छा इससे जो प्रैक्टिस मैच होता है इसमें 3 विकेट लेके गया था ये, तो अगर लाइनअप में आते हैं तो जरूर ट्राई करेगा। एस एक्तर मेघना ये भी अच्छा स्पिन बॉलर है, तो आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी देखिए उतना कुछ कोई खास पिक नहीं है, अगर आपको लाइनअप में आता है तो अगर आपको ट्राई करना है तो जरूर ट्राई। बाकी जो जो मैंने इंपॉर्टेंट प्लेयर था मैंने आप लोगों को सब प्लेयर के बारे में बोल दिया, तो ये आपको टीम बनाने में अच्छा हेल्प होगा। ठीक है, तो अगर आप इस मैच में खेलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हेल्प होगा। तो गाइस हमारे टेलीग्राम पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हमारा टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको जो भी ड्रीम इलेवन रिलेटेड मैच होगा मैं आप लोगों को ट्राई कर सकता हूँ, ट्राई करता हूँ कि हमारा मेरा जो एक्सपीरियंस है सब आप लोगों के साथ शेयर करने का। प्लस आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ ऐसा टिप्स देता रहता हूँ प्लेयर के बारे में बोलता रहता हूँ हर एक मैच का टॉस के बाद, जो आप लोगों को अच्छा खासा रैंक दिला सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, हम लोग आईपीएल का जो मैच होगा उसके बारे में, उसके हम लोग वीडियो बनाएंगे अभी, तो अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू गाइज़।